पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी। हजरा पुलिस? अथर बता रहा था कि दो दिन से बहुत ज्यादा अपसेट था और लोग परेशान हैं। She should go home. I think you're absolutely right. मन्नत पे undue pressure मत डालो। मन्नत अब तुम में से किसी की नहीं सुनेगी। अब तुम हमारी सुनो और हमारा फैसला मानो। खामोशी से बहुत डर लगता है। अब से इस मनहूस समझ कदम वाली लड़की के पैर मेरे घर पे पड़े हैं। मेरा तो हंसता बसता घराना ही लुट गया है। मन्नत के अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुराद को अपनी अम्मी बोलती है, तुम मन्नत को तलाक दे दो, ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो। तभी मुराद बेचारा मजबूरी में आके खुदकशी करने की कोशिश करता है। और दूसरी जानब मन्नत भी वहाँ बहुत परेशान होती है। परेशान होके वो सोचती है क्या करूँ। तभी अजरा को कॉल करती है और अजरा से मुराद के बारे में पूछती है। तभी अजरा बताती है कि मुराद ने दो दिन पहले अतर को कॉल किया था, वो बहुत अपसेट था, बहुत परेशान था। दूसरी जानब मन्नत का जो छोटा भाई साद होता है उसे बोलता है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मुराद के वहाँ जाके तुम्हें मालूम करना चाहिए। तभी जो मन्नत का बड़ा भाई होता है नफीस, वो उसे बोलता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक तुम्हें मुराद खुद नहीं लेने आएगा तब तक तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। दूसरी जानब रज़िया भी मन्नत को बहुत कोस रही होती है और बोलती है, ये मनहूस लड़की जब से हमारे घर में आई है हमारे घर में ऐसे अनोखे काम होते रहे हैं, ये हमारे घर में बनौती है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुराद खुदकशी करेगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। शुक्रिया।